मंगलवार को वाराणसी टेंट व्यवसायी एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी सत्र 2023-25 के शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले दिवंगत पदाधिकारियों एवं सदस्यों के परिवारों को शुभम लान मैमूरगंज में सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी, विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन अशोक चावला ने, अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, महामंत्री मनोज रावत एवं कोषाध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश संरक्षक महेंद्र जायसवाल, महामंत्री अखिलेश वर्मा, कोषाध्यक्ष ओम मेहरा ने कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर डॉक्टर मधुर जायसवाल, डॉक्टर रतनलाल गुप्ता, अशोक जायसवाल, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गौरव कुमार श्रीवास्तव, विनय कुमार शर्मा, भीम सिंह, मदन अग्रहरी, विश्व रंजन भट्टाचार्य, राजकुमार केसरी, ओम प्रकाश गुप्ता, सत्य प्रकाश गुप्ता, हाजी अफजाल, फयाजुद्दीन मुन्नर, शिवराज पटेल, समीर केसरी, सुनील सिंह, राजेश माली, दीनानाथ पटेल, पंकज मौर्य, राहुल केसरी, जितेंद्र सिंह के अलावा प्रदेश एवं जिलों से आए हुए 800 से ज्यादा व्यापारी शामिल थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि टेंट व्यापारी हमारे सुख दुख के साथी हैं। कोई भी छोटे से छोटा या बड़ा कार्यक्रम बिना टेंट व्यापारियों की मदद के संभव नहीं है। टेंट व्यापारियों को आ रही किसी भी समस्या के समाधान के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से हर संभव मदद का प्रयास करूंगा। प्रमुख कार्य का मतलब ये है कि टेंट व्यवसाय आज की डेट में कोरोना के बाद से काफ़ी पीछे चल रहा है और हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से जो सिर्फ नियमों में विसंगतियों के कारण उत्पन्न हुई हैं। जैसे हम लोग इस समय लॉन संचालक और टेंट व्यवसायी VDA द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे हैं और GST के कुछ प्रावधान हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है। तो हम सब अपने कार्यकारिणी साथी मिलकर अपने व्यापारियों के हित में सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे।